स्टैंपिंग करती हूँ, मतलब मैं इस क्लास से मुझे आदत है स्टैंपिंग करने की। और आज मैं न्यूज चैनल में एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर हूँ, और सिर्फ आपकी वजह से। आप यहाँ पर आकर के कुछ बोलना चाहेंगे स्टेज पे आकर के? आ जाओ इधर, आ जाओ स्टेज पे, माइक दे दो इनको। काफी इंस्पिरेशनल लग रही है आपकी कहानी सुनने में, तो आप इधर आइए, मैं थोड़ा नीचे यहाँ पे बैठता हूँ। अरे एक ही बात है, मैं उठा दूंगा किसी को, एक मिनट बोलिए जी। मैं 6th क्लास से स्टैमरिंग करती हूँ, और मतलब मैंने ट्रीटमेंट भी लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है उससे कुछ असर नहीं होता। जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करोगे ना कि मतलब मेरे को बोलना है, मेरे को करना है, आज मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं बोल सकती हूँ, स्टैमर कर रही हूँ तो हुआ क्या, एटलीस्ट बोल तो रही हूँ ना, मेरी बात में तो दम है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जिनको स्टैमरिंग होती है कभी हार मत मानना, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। और जो लोग स्टैमर करते हैं वो लोग औरों के मुकाबले, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, औरों के दिमाग से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आपके सामने ऐसे बोल रही हूँ, और मतलब अब नहीं बोल पाऊंगी सर, पूरा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, मतलब हाँ, मतलब बहुत मुश्किलें आती हैं। मेरी जो आपने वीडियोस देखी उसमें से क्या चीज आपको मतलब अभी भी याद है, या सबसे अच्छा क्या लगा? आसान है, सब आसान है। इवन मैं आपके लिए कुछ के भी लेकर आई हूँ सर, अगर आप एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपने कहा ना कि आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। नहीं, मैं एक्सेप्ट तो नहीं करूंगा, आप पढ़ के सुना सकते हो, जो भी आपने लिखा है पढ़ के सुना दो। स्माइली भी लगाई थी, क्या फर्क पड़ता है आप मुझे जानते हैं या नहीं, पर मुझे आसान बनाने वाले आप हैं। मैं करीब 6 सालों से आपको सुनती आ रही हूँ, और मुझे पता है आपके ही तजुर्बों को सुनकर मैं बहुत आगे तक जाने वाली हूँ। मुझे आसान बनाने के लिए आपको दिल से थैंक यू। एक्सेलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।